जैसे फ्रेंड आपको लोन अमाउंट अप्रूव होगा आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। मेरे केस में देख सकते हैं 6000 रुपए तक का लोन ऐसे अप्रूव हुआ, वो चीजें देख सकते हैं। इसके साथ साथ और इसे डिटेल बताएगी उसे आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको प्रोसेसिंग फीस मिलेगा 708 रुपए का, नेट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट आपको मिलेगा 5292 रुपए का, और ये जितना 6360 रुपए आपको टोटल पेमेंट करना। जब भी फ्रेंड आपको लोन के लिए नीड हो, और मैंने भी आपको हमेशा ये रिकमेंड किया कि आप ऐसे एफसी से लोन के लिए आवेदन करिए, फिर किसी भी कंपनी से लोन के लिए आवेदन करिए जो कि आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड हो। इससे क्या फायदा रहता है फ्रेंड, आपको एक यहाँ से लिमिट अमाउंट को मिल जाता है, इसके साथ साथ एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट रेट पेमेंट नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ फ्रेंड अगर आप इस लोन के लिए आवेदन करेंगे तो एक अच्छे टाइम के लिए आप इस लोन प्राप्त कर सकते हैं। आप फ्रेंड जो कि राम फाइनेंस है या आरबीआई एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी, इस वीडियो हम जानेंगे राम फाइनेंस के बारे में। इसी फोन से आवेदन करके अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए आवेदन कैसे करेंगे, क्या इंटरेस्ट रेट लगता है फ्रेंड, चार्ज कितना लगता है, और अप टू कितने परसेंट का आप इसे मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हैं। उससे पहले फ्रेंड आपको सिंपली करना क्या रहेगा, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं, सबसे पहले प्रोसेस देखिएगा चार्ज कितना लगता है, आप डिसाइड करेगा लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, साइड स्क्रीन में आपको साइड से आप देखते चलना है। हम यहाँ सबसे पहले अगर देखें फ्रेंड तो यहाँ से मैक्सिमम आप कितने लोन अमाउंट ले सकते हैं, तो मैक्सिमम देख सकते हैं बताया कि आप 2 लाख रुपए तक कहीं से लोन अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। 36% तक का आपको इंटरेस्ट रेट आप इसे मैक्सिमम पेमेंट करना पड़ सकता है। 21 साल से लेकर 55 साल की आपको एज होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस 5% दिया जाएगा जो कि लोन का ऑफर रहता है। फिर 365 दिन के लिए आप इसे लोन ले सकते हैं, पूरे 1 साल के लिए आप इसे लोन दिया जाता है। क्लोजिंग चार्ज क्या रहता है एज पॉसिबल ये चीजें दिखाई जाती है, इसे आप चेक कर सकते हैं। हम सिंपली एप्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के लिए सिंपली ओपन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, देन आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर डाल के आपको साइनअप करना पड़ेगा। इसमें अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो नीचे गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, परमिशन मांगेगा, सारी परमिशन को आपको चेकमार करना है एंड अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, परमिशन को आपको सिंपली अलाउ करते जाना है जो परमिशन आएगा अगर आप इसे लोन के लिए आवेदन करना रहे हैं। तो अभी देख सकते हैं फिर सारी चीज़ आपकी अलाउ हो जाएगी, आपको सिंपली अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपना एक मोबाइल नंबर डालेंगे, नंबर डालने के बाद फिर आपको गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके नंबर में ओटीपी सेंड की जाएगी, ओटीपी डाल के आपको सक्सेसफुली लॉगिन कर लेना है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर जाएगा, फिर जहाँ से आपकी केवाईसी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना रहेगा, तो ये प्रोसेस फिल करना, केवाईसी करनी, पर्सनल डिटेल फिल करेंगे। फिर आपके सामने ऑफर्स आएगा, आप कितने अमाउंट तक यहाँ लोन के लिए एलिजिबल है, हम सिंपली कैच कैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आएगा। नीचे आपको सबसे पहले आपको केवाईसी करनी, इसमें आपके पैन कार्ड आधार कार्ड अपडेट करना पड़ेगा, हम गेट ऑफर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ऑफर पे क्लिक करेंगे फिर आपके सामने डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा, जहां से आपको सारी डिटेल फिल करना है। आपको सबसे पहले एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, आप किस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं। इसके बाद बोल रहा है आप अपना यहीं से नाम डालेंगे, जो आपके पैन कार्ड में नाम रहेगा वही नेम आपको सिंपली पूरा फिल करना है। तो मैं अपना फिर जो पैन कार्ड में नाम है वो नाम फिल करेंगे, फिर अपनी एक ईमेल आईडी आपको यहीं से फिल करनी है। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिंपली क्लिक करना है, फिर अपने पैन कार्ड का नंबर फिल करना, फिर जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर रहेगा वो पैन कार्ड का नंबर आपको यहीं से फिल करना है। सिंपली नीचे से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे फिर आपको कोई इशू आता है इनसे कॉन्टैक्ट करने का भी ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वही लिंक मिल जाएगा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम के कमेंट बॉक्स कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। फिर आपके सामने नाम आ जाएगा, DOB आ जाएगी, पूछ रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है करेक्ट है, हम सिंपली यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ क्योंकि मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अब आपको देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन मिल रहा है, पहला तो आप डिजीलॉकर यहाँ से आधार कार्ड द्वारा कर सकते हैं via OTP, दूसरा अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसे डिजीलॉकर के द्वारा भी आप इसे सिंपली कर सकते हैं। तो मैं आधार OTP के द्वारा करना चाह रहा हूँ, फिर तो सिंपली इस पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब अपने आधार कार्ड का आपको नंबर फिल करना है एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो जो भी आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उसमें एक OTP को सेंड किया जाएगा, OTP डाल के आपको सक्सेसफुली लॉगिन कर लेना, जहां से आपकी KYC कंप्लीट हो जाएगी। जैसे फिर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे अपनी OTP डाल के, तो आपके सामने फिर इस प्रकार से ऑप्शन आएगा, जहां सबसे पहले पूछ रहा है आपको इसे लोन का पर्पस के आप किस पर्पस से लोन लेना चाह रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी, सैलरी डिले, पर्सनल एजुकेशन, रेंटेड या फिर अदर कोई ऑप्शन रहेगा, जो भी रहेगा आपको सेलेक्ट करना। जैसे मान लीजिए अगर सैलरी डिले है तो सैलरी डिले वाले ऑप्शन को आपको सिंपली सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है कि आपको कितने अमाउंट का लोन चाहिए, आप इसे लोन अमाउंट को फिल करेंगे, तो मैं एक उदाहरण के लिए 20,000 रुपए से फिल कर देता हूं एंड सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके साथ साथ देखेंगे फिर आपको इसे परसेंटेज भी दिखाता जाएगा, आपको जो कि इसे कितना परसेंट का ये जो डिटेल आप फिल कर रहे हैं। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस क्या उसको सेलेक्ट करना है, देन फिर आपके सामने हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी, आपने क्या क्वालिफिकेशन की हुई है, एम्प्लॉय डिटेल आपको फिल करना है, सैलरीड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर पूछ रहा है कि मेड ऑफ पेमेंट यानी जो आपको सैलरी मिलती है जो कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयड आपको किसके द्वारा मिलती है, बैंक ट्रांसफर, चेकबुक के द्वारा, फिर आपको कैश मिलती है, तो मेरे केस में बैंक ट्रांसफर, फिर मैं बैंक ट्रांसफर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। फिर यहीं से अपने कंपनी का आपको नाम पूछ रहा है, तो जो भी आपकी कंपनी का नाम रहेगा फिर अपनी कंपनी का आपको यहीं से नाम फिल करेंगे, और नाम फिल करने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
इंडस्ट्री किस टाइप की है उसको पूछ रहा है फिर, तो आपके कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, अगर इनमें से है तो आपको सेलेक्ट करेंगे, अगर नहीं है तो आपको सिंपली अदर वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। आपका डिजिग्नेशन क्या है उसको सेलेक्ट करना है, एसोसिएट, एग्जीक्यूटिव मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीईओ या फिर अदर, उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर आज पूछ रहा है आपकी मंथली सैलरी कितनी है फ्रेंड, तो आप इसे मंथली सैलरी को आपको फिल करना है, तो मैं अपनी मंथली सैलरी फिल कर देता हूँ, जो भी फ्रेंड आपकी रहेगी फिल करिएगा। अगर आप यहाँ चाहे तो अपनी सैलरी को थोड़ा सा बढ़ा कर भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस क्या, वो एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है फ्रेंड कि आप कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप वर्क एक्सपीरियंस को सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा फिर आपके सामने पूछ रहा है कि जो आपकी सैलरी है किस डेट को आती है, ये वाली आपको जानकारी फिर बहुत ही ध्यानपूर्वक फिल करनी जो मैं बता रहा हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है, तो आप ये इसमें से डेट फिल करिएगा आप 10 तारीख, क्योंकि फिर ये ऑटो रिपेमेंट की डेट ये पूछता है। हम जैसे मान लीजिए हमारी सैलरी 1 तारीख को आती है, मैं 10 तारीख वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपका रेजिडेंशियल क्या है, जहाँ से आप रह रहे हैं, आप रेंटेड है, ऑनर है, उसको सेलेक्ट करेंगे। ये सारी जानकारी आपको फिल करना है। फिर आपको कंफर्म एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस रहेगा फिर वो आपकी से आधार कार्ड से ले लेगा, अगर सेम एड्रेस है तो आपको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर नहीं हो तो अगर आप कुछ भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। देन फ्रेंड आपको थोड़ा सा वेट करना, आपका फॉर्म 90% कंप्लीट हो गया है। फिर आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा जहां से आपको आवेदन करने का प्रोसेस हम देखने वाले हैं। जैसे फ्रेंड आपको लोन अमाउंट अप्रूव होगा, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। मेरे केस में देख सकते हैं 6,000 रुपए तक का लोन यहाँ से अप्रूव हुआ, वो चीजें देख सकते हैं। इसके साथ साथ और इसे डिटेल बताएगी उसे आप देख सकते हैं। जहां से आपको प्रोसेसिंग फीस मिलेगा 708 रुपए का, नेट डिस्ट्रीब्यूट अमाउंट आपको मिलेगा 5,292 रुपए का, और ये जितना 6,360 रुपए आपको टोटल पेमेंट करना है। ये सारी जानकारी आपको चेकआउट करने नीचे एक ऑप्शन दिया जाता है जहां से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन आपके सामने रेफरेंस डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा, फ्रेंड आप 2 रेफरेंस किसी का भी देख सकते हैं, अपने फ्रेंड का भी अगर आप शेयर करना चाहते शेयर कर सकते हैं। रेफरेंस देने के लिए फिर आपको रेफरेंस फर्स्ट पे क्लिक करना है एंड रेफरेंस आपको फिल करना है। रेफरेंस में देख सकते हैं जहां सबसे पहले रेफरेंस का नाम क्या, उनको आपको इसे नेम फिल करना है एंड उनसे आपका क्या रिलेशन है, वो रिलेशन आप टाइप करेंगे एंड उनका एक मोबाइल नंबर फिल करना है। सेम सेकंड पे क्लिक करके भी ये जानकारी फिल करनी, अब जब सारी जानकारी फिल हो जाएगी तो आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। फिर इसके बाद फ्रेंड आपके इसे बैंक अकाउंट फिल करने का ऑप्शन आता है जहां से आपकी सारी जानकारी फिल करनी जाए, अकाउंट होल्डर्स का नेम क्या है उसको फिल करेंगे एंड अकाउंट होल्डर्स का आपके इसे नंबर अकाउंट नंबर फिल करना है। अकाउंट नंबर को आपको सिंपली रिटाइप करेंगे, उनका IFSC कोड क्या है IFSC कोड फिल करेंगे, बैंक कौन सा है वो बैंक का आपको इसे सिंपली नेम टाइप करना है एंड ये सारी जानकारी आपको अच्छे से फिल करनी है फ्रेंड एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो किया जाएगा जो कि स्टार्टिंग में था। आपको एक बार पूरा रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, कितने महीने के लिए लोन मिलेगा, कितने अमाउंट को लोन मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको चेक करनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये फ्रेंड आप जैसे नेक्स्ट करेंगे तो ये लोन आपका अप्रूव होने के लिए चला जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं जहाँ सबकी प्रोसेसिंग फीस GST आपको अगर सही से सब लगता है फ्रेंड तो ही लोन के लिए आवेदन करेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके चार्ज ज़्यादा दिया जाए तो आपको कई सारे अदर एप्लीकेशन मिलेंगे, वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। मैंने प्रोसेस इस वीडियो में दिखाया, आई होप गाइस वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। सो फ्रेंड ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस कैसे आप राम फाइनेंस अगर लोन के लिए आवेदन करना चाहते आवेदन कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में रजिस्ट्रेशन और लोन आवेदन करके लोन अप्रूवल से बैंक ट्रांसफर तक का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाया हुआ। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स से शेयर करें। मन में कोई सवाल रहेगा तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बेस में आप बहुत जलूंगा फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।